तस्वीरें देवरिया से जो आपको हिला कर रख देगी। उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में कथित तौर पर दारोगा द्वारा युवक की लाठियों से पीट पीट कर हत्या कर देने के बाद बवाल मच गया है। आरोप है कि जिले के बरहज थाना क्षेत्र के सतराव चौराहे पर दारोगा वीरेंद्र कुशवाहा ने भरे बाजार में दद्दन यादव नाम के युवक की बेरहमी से पिटाई कर, जिसके बाद मंगलवार को इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। इस मामले में मृतक की पत्नी सुमन की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। खबर में आगे जानते हैं कि उसने क्या क्या बताया। मृतक दद्दन यादव की पत्नी सुमन ने बताया कि सुमन के पति दद्दन को दारोगा ने लाठियों से जोर जोर से मारा। इसके अलावा सुमन ने कहा, मेरे पति का ग्राम प्रधान के बेटे के साथ उठना बैठना था जो दारोगा को पसंद नहीं था। दारोगा ने ग्राम प्रधान के बेटे के साथ मेरे पति के घूमने की आपत्ति जताई थी। मेरा पति बाजार से सामान लेने गया, तब उसकी दारोगा ने पिटाई कर दी। पति के चिल्लाने की आवाज सुनकर मैं बाहर आई तो मैंने देखा और दारोगा से बोला, भरी सभा में क्यों पीट रहे हो, थाने ले जाते, मैं 6 महीने बाद छुड़ा लेती। वही पूरी खबर के अनुसार सोमवार शाम की यह घटना बताई जा रही है। वीरेंद्र कुशवाहा ने सतराव चौराहे पर भरे बाजार में दद्दन यादव की लाठी डंडे से बेरहमी से पिटाई कर दी। पिटाई ऐसी कि दद्दन को खून की उल्टियां तक होने लगी। परिजन उसे बरहज अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां से डॉक्टरों ने मेडिकल कॉलेज देवरिया रेफर कर दिया और यहां पर इसका इलाज चल रहा था, पर मंगलवार की शाम पीड़ित युवक ने जिंदगी से जंग हार गया, जिसके बाद पुलिस महकमे में खलबली मच गई। वहीं इस पूरे मामले में पुलिस की ओर से पिटाई करने के बाद ग्रामीणों ने अपना आपा खो दिया और दारोगा को दौड़ा लिया। बताया जा रहा है कि आरोपी दारोगा की बुलेट बाइक फूंक दी गई है और उसकी कार के साथ तोड़फोड़ भी की गई है। हालांकि इसके कोई पुख्ता साक्ष्य या प्रमाण नहीं मिले हैं। वहीं इस मामले में आरोपी दारोगा अब तक फरार बताया जा रहा है। देवरिया के एसपी संकल्प शर्मा ने कहा कि यह बरहज थाना क्षेत्र के अंतर्गत सतराव गांव का मामला है। यहां एक व्यक्ति जिसकी उम्र लगभग 30 वर्ष है, उसका नाम दद्दन यादव है, उसकी जिला अस्पताल में मौत हो गई है। परिजनों का आरोप है कि सब इंस्पेक्टर द्वारा पिटाई की गई है जिससे उसकी मौत हुई है। इस संबंध में परिजनों द्वारा तहरीर दी जा रही है, आगे की कार्रवाई की जाए। वहीं इस पूरे मामले में उत्तर प्रदेश का देवरिया जिला फिर से सुर्खियों में आ गया है। दरअसल यहां दारोगा वीरेंद्र कुशवाहा ने जिस युवक को मारा था उसका नाम दद्दन यादव था। वहीं इस पूरे मामले में समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव का बयान भी सामने आया है। उन्होंने सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी पर हमला बोलते हुए मृतक के परिजनों को 5 करोड़ रुपए मुआवजा देने की मांग कर दी है। वहीं मंगलवार को अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि भाजपा के राज में पुलिस प्रशासन के अंदर कुछ भ्रष्ट लोगों को ऐसे लगना लगा है कि वो कुछ भी असंवैधानिक करेंगे तो उनके भाजपाई आका उनको बचा लेंगे। वहीं मंगलवार को अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि भाजपा के राज में पुलिस प्रशासन के अंदर कुछ भ्रष्ट लोगों को ऐसे लगना लगा है कि वो कुछ भी असंवैधानिक करेंगे तो उनके भाजपाई आका उनको बचा लेंगे। सरेआम अत्याचार, जनता से जानलेवा मारपीट, हिरासत में मौत, झूठे एनकाउंटर, बढ़ती वसूली जैसे मुद्दों ने भाजपा के काल में पुलिस को बेलगाम बना दिया है। देवरिया की दोषी पुलिस के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज हो और मृतक के परिवार को कम से कम 5 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाए। ये देवरिया जनपद में बरहज थाना क्षेत्र के अंतर्गत सतराव ग्राम का मामला है, जहां एक व्यक्ति जिसकी उम्र लगभग 30 वर्ष है, दद्दन नामक व्यक्ति की जिला अस्पताल में मृत्यु हुई है। परिजनों का आरोप है कि एक सब इंस्पेक्टर द्वारा इसके साथ मारपीट की गई थी, जिसकी वजह से इसकी मृत्यु हुई है। संबंध में परिजनों द्वारा जो तहरीर दी जा रही है उसके आधार पर अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम विधि कार्रवाई की जा रही है।